और तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज के वीडियो में आपको न्यू ईयर के लिए कुछ इस तरह का फोटो बनाना सिखाऊंगा, और भी पिक्सआर्ट ऐप को यूज करके। तो आप भी अपना न्यू ईयर के लिए फोटो बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पर पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना पड़ेगा, जो आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तब डायरेक्टली उसको वहीं से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद आपके यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे टच कर देना है, और यहाँ से आपको एडिट फोटो वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से एक बैकग्राउंड को ऐड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपके यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और यहाँ से आपको एड फोटो वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर यहाँ पर आप जो भी अपने फोटो का एडिट करना चाहते हो उसको सिंपल से ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर आ चुका है, और मैंने इस फोटो का ऑलरेडी बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया था। अगर आपको भी कुछ इस तरह से अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना सीखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आपके यहाँ से इसको थोड़ा जूम कर लेना है, और यहाँ से इसको सेंटर में सेट कर देना है। फिर आपके यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे टच कर देना है, और यहाँ से आपको एड फोटो वाले आइकन पे टच कर देना है, और यहाँ से आपको और एक पीएनजी को ऐड कर लेना है। फिर आपके यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेना है, और यहाँ से इसको अपने पैर के नीचे सेट कर देना है। फिर आपके यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को यहाँ से थोड़ा कम कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ पर ऊपर बॉक्स वाले आइकन पे टच कर देना है, और यहाँ से इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। फिर आपके यहाँ पर इसको यहाँ से उठा के या दूसरे पैर पर इसको सेट कर देना है। तो कुछ इस तरह से अपने फोटो पे यहाँ पर शेडो भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद आपके यहाँ पर ऐड फोटो वाले आइकन पे टच कर देना है, और यहाँ से आपको एक पीएनजी को ऐड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप देख सकते हो हमारा पीएनजी यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से इसको इस वाले कोने पे सेट कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ से सिंपल से राइट वाले पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर ऐड फोटो वाले आइकन पे टच कर देना है, और यहाँ से आपको और एक पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो आप देख सकते हो हमारे पीएनजी यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर फोटो को थोड़ा जूम कर लेना है, और यहाँ से इसको सही से अपने हाथ पे सेट कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ से इरेज़ वाले आइकन पे टच कर देना है, और यहाँ से आपको हार्डनेस को थोड़ा बढ़ा देना है। फिर आपके यहाँ पर फोटो को जूम करके यहाँ से कुछ इस तरह से इसको इरेज कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ से राइट वाले पर टच कर देना है। इसके बाद आपके यहाँ पर एड फोटो वाले आइकन पे टच कर देना है, और यहाँ से आपको और एक पीएनजी को ऐड कर लेना है। तब देख सकते हो हमारा पीएनजी पर आ चुका है, और इसके यहाँ पर कुछ इस तरह से सेट कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ पर फिर से एड फोटो वाले आइकन पे टच कर देना है, और यहाँ से आपको एक स्मोक को ऐड कर लेना है। तब देख सकते हो हमारा स्मोक यहाँ पर आ चुका है, और इसको यहाँ से थोड़ा जूम कर लेना है, और यहाँ से इसको भी नीचे पे सेट कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ से आपको एडजस्ट वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से थोड़ा साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ से आपको टेम्परेचर वाले आइकन पे टच कर देना है, और यहाँ से इसके अमाउंट को यहाँ से फुल्ली माइनस कर देना है। फिर आपके यहाँ से राइट वाले पे टच कर देना है, और एक बार आपके यहाँ पर राइट वाले पे टच कर देना है। इतना करने के बाद आपके यहाँ से थोड़ा साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ से आपको टूल्स वाले आइकन पे टच कर देना है, और यहाँ से आपको एडजस्ट वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ से ब्राइटनेस को यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है। फिर आपके यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट पेन है, और इसको भी यहाँ से थोड़ा सा ही बढ़ा देना है। फिर आपके यहाँ पर क्लियरिटी पेन है, और इसे भी यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है। फिर चेसुरसन पेन है, और इसे भी यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है। फिर आपके यहाँ पर डायरेक्टली हाईलाइट पे आ जाना है, और यहाँ से इसको थोड़ा कम कर देना है। फिर आपके यहाँ पर शेडो पेन है, और इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा देना है। फिर आपके यहाँ पर टेम्परेचर पेन है, और यहाँ से इसको थोड़ा कम कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ से आपको सिंपल का राइट वाले पे टच कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारा फोटो यहाँ पर बन के रेडी हो चुका है। अब इसको सेव करना है, तो यहाँ से आपको थोड़ा साइड स्क्रॉल करना है, और यहाँ से आपको ड्रॉ वाले आइकन पे टच कर देना है। फिर आपके यहाँ पर ट्रिपल डॉट पे टच कर देना है, और यहाँ से आपको सेव एज इमेज पे टच कर देना है। तो आप देख सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर सेव भी हो चुका है। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले।
और ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड न्यू वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों बाय बाय।